जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट भर्ती के बारे में जो sarkarresult.com पर वेबसाइट पर आई हुई है। इस भर्ती पर जो भी क्वालिफिकेशन है इसकी और क्या क्या इसकी डिटेल्स दी गई है, डिटेल्स में जैसे एज लिमिट देता है और अप्लीकेशन फीस, इम्पॉर्टेंट डेट्स और इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन, फॉर्म को भरना कैसे है, कब से कब तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट कितनी है, एग्जाम कब होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, तो ये सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता किसकी भर्ती आ चुकी है तो उनको ये जानकारी हो सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका अभी फॉर्म आ चुका है, अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं है। आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी से स्टार्ट होगी और 25 जनवरी तक चलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एसआई स्टेनोग्राफर, रिक्वायरमेंट 2022-23, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यह 1458 पदों पर भर्ती है और ये 26 दिसंबर को अपडेट हुई थी। और इसकी बात करें अगर फुल फॉर्म की सीआरपीएफ की, तो यहाँ से फुल फॉर्म इसकी होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इस जो छोटी सी यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है, इस जानकारी पर यही बताया जाता है कि कौन सी तिथि से लगाकर आप किस तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 4 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में क्या क्या जानकारियां उपलब्ध हैं ये भी यहाँ पर हेडिंग के तौर पर दी जाती है। जैसे इस भर्ती पर जो जानकारियां हैं, जैसे पे स्किल दिया हुआ है, पेड डिटेल्स दिया हुआ है और एज लिमिट दी गई है, सिलेक्शन प्रोड्यूसर दिया गया है, जॉब इंफॉर्मेशन दी गई है और ऑल अदर इंफॉर्मेशन, मतलब और भी जो अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये जो छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, यहाँ पर दिया जाता है भर्ती से रिलेटेड जो तिथि होती है कि किस दिन से लगाकर आप किस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में जो इसकी डिटेल्स दी जाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप उसको पूरी डिटेल से और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो ये बात हो गई शॉर्ट इंफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन की। यहाँ देखिए शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की तरफ से भर्ती आई हुई है। इसमें 2 पद अवेलेबल है, हेड कांस्टेबल का, एसआई स्टेनोग्राफर का। अगर बात करें इसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है 4 तारीख से लगाकर आप 25 जनवरी तक इसका आवेदन करा सकते हैं। यहाँ 4 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट इसकी दी गई है 25/1/2023। और अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है, 25 जनवरी 1/2023। तो यहाँ पर एग्जाम डेट की भी नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पे एग्जाम फीस लास्ट डेट दिया हुआ है, मतलब एग्जाम फीस करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 25/1/2023 दिया हुआ है, दोनों की डेट सेम है। तो यहाँ पर एग्जाम का फीस पे करने की डेट दी गई है, एग्जाम डेट अभी एज पर शेड्यूल दिखा रहा है, यहाँ पर अभी एग्जाम डेट की कोई डेट मेंशन नहीं की गई, ना ही एडमिट कार्ड की भी। अगर एप्लीकेशन की फीस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए, SC/ST की 0 रुपए और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपए। यानी जो छात्राएं हैं, जो फीमेल वर्क की कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट दिया गया है सीआरपीएफ, एसआई स्टेनो की और एचसी मिनिस्ट्रियल की, एचसी मिनिस्ट्रल की, यहाँ पर एचसी मिनिस्ट्रल की नोटिफिकेशन 2022 एज लिमिट एज ऑन
25/1/2023। यहाँ अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज दी गई है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज दी गई है 25, मतलब 18 से 25 तक की उम्र के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें वैकेंसी डिटेल्स की तो यहाँ पर देखिए 1458 पदों पर भर्ती आई हुई है, दो पदों पर ये भर्ती है, यहाँ पर दो पद अवेलेबल है सीआरपीएफ की तरफ से, सीआरपीएफ एचसी मिनिस्ट्रियल एसआई स्टेनो रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो तीन कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया है, टोटल पोस्ट दिया है और इसकी सामने एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ देखिए पहले ही अगर पद की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, जहां पर 1315 पद अवेलेबल हैं। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास मांगा मांगा गया है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो। टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है कंप्यूटर बेस्ड से, इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की भी टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। अगर बात करें वहीं दूसरे पद की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई स्टेनो की, तो यहाँ पर 143 पद हैं, 143 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और इसकी अगर क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास यहाँ पर भी मांगा गया है, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो। रिडक्शन यहाँ पर मांगा है 10 मिनट एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट। और ट्रांसपरेशन यहाँ पर अगर बात करें तो 25 मिनट इन इंग्लिश और यहाँ पर 65 मिनट इन हिंदी। यहाँ पर जो ट्रांसपरेशन मांगा गया है, यहाँ 50 मिनट इन इंग्लिश और यहाँ पर 65 मिनट इन हिंदी। अगर बात करें इसकी अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, यहाँ पर कितनी कैटेगरी को बांटा गया, कितनी कैटेगरी बांटा गया, एसआई स्टेनो को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को। तो यहाँ पर यूआर की बात करें तो 58 यहाँ पर दिया गया है और ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 14, एससी में 21, एसटी में 11, टोटल पोस्ट 143 दिया गया है। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 532 यूआर में दिया गया है, ओबीसी में 355, ईडब्ल्यूएस में 132, एसटी में 197 और एसटी में भी 99, एससीएसटी में 197, 199 और टोटल मिला के 1315 पद दिए गए हैं। बात करें अगर इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की, या इसकी इस भर्ती में फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग दिया है, मेल दिया, फीमेल दिया है, तीन कॉलम में इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी को दर्शाया गया है। तो अगर टाइपिंग में देखें तो यहाँ पर हाइट मांगी गई है मेल की अदर कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर और एसटी में ओनली 162.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट की हम बात करें अदर कैटेगरी में तो 77 से 82 सेंटीमीटर और एसटी में अगर बात करें तो यहाँ पर 76.81 सेंटीमीटर मांगे हुए हैं। और यहाँ फीमेल में अदर कैटेगरी में बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाई फीमेल में मांगे गया है और एसटी में अगर बात किया जाए तो 150 सेंटीमीटर और चेस्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना के बराबर, यहाँ पर कोई चेस्ट नहीं मांगा गया फीमेल में। तो ये बात हो गई दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी की और बात कर ली हमने कैटेगरी वाइज की, वैकेंसी डिटेल्स की, एज लिमिट की यहाँ पर बात कर ली, एप्लीकेशन फीस की भी बात हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फॉर्म को आवेदन कैसे करना है, भरना कैसे है, क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर लगेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं हाउ टू फिल सीआरपीएफ 10+2 एचसी मीन एसआई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को जो पहला कालम होता है इस पर, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो स्टूडेंट है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, वह 4 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी तक इसका आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर डेट मेंशन की जाती है, आवेदन प्रक्रिया और लास्ट डेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड कॉलम की, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिया जाता है जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को आवेदन करना चाहता है तो पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई उसको अच्छे से पढ़ ले, दी गई जो भी इंफॉर्मेशन और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उसको कलेक्ट करें, इसके बाद फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स,
और फोटो साइन आईडी प्रूफ ईटीसी। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, फोटो साइन लगेगी, यही कुछ बेसिक जो डिटेल्स होते हैं ये सारा चीज फॉर्म में लगेगा। तो इसको फॉर्म को भरने के बाद सारा डाटा आप जैसे कंप्लीट कर देंगे, अपनी क्वालिफिकेशन आप भर देंगे, नाम पता एड्रेस सब कुछ भरने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लें ताकि कहीं कोई त्रुटि ना हो। यहाँ पर दिया गया है देखो, बिफोर मस्ट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द ऑल कॉलम केयरफुली। यहाँ पर दिया गया है कि सभी कॉलम को एक बार अच्छी तरीके से जांच लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। दूसरे लास्ट वाले कॉलम में दिया है कि इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी, फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फीस पे नहीं करते तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। लास्ट में ऑप्शन दिया गया है कि टेक अ प्रिंट आउट द फाइनल सबमिटेड, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें या पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें। अगर आप फोन से या घर बैठे लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्म में फॉर्म सेव कर लें। अब देखिए यहाँ पर दिया है सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो अगर फॉर्म को आवेदन की बात करें, आवेदन प्रक्रिया की, तो 4 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। शॉर्ट तब तक के लिए यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हियर से। यह नोटिफिकेशन भर्ती से संबंधित होती ही है तो अधिक से अधिक जानकारी उसमें भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें इसकी सीआरपीएफ की, तो यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट भी दी जाती है। इस पर क्लिक करके आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से भी इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। यदि कुछ आपकी क्वेरी है, किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। कमेंट का रिप्लाई हम लोग जरूर देंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो फेसबुक पेज पर हमारे टीम का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं या भरा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती के साथ में। जय हिंद, जय भारत।